check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on the bill. Hi guys, this is Bulkit. कैसे हैं आप लोग? I hope आपका mental health आज ठीक होगा. Well, अगर नहीं है तो शायद मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद कर सकता हूँ इस you know टेंशन भरी लाइफ को थोड़ा और कम करने की. Well, मैं जो आजमाता हूँ चीजें और जो मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपने आप को मेंटली सेन और मेंटली यू नो फिट रहने की कोशिश करता हूँ और होता भी है. सच्ची बताऊँ हो जाता है और मैंने ट्राई भी करा. मैं बताता हूँ. सबसे पहला मुझे मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम सबसे पहले क्या आती है, मुझे आती है एंग्जाइटी, वरी, एक्सट्रीमली जैसे मैं हो जाता ना पैरानोया टाइप, ऐसे एक्सेसिव हो जाता है मुझे कभी कभार. तो मैं उस केस में क्या करता हूँ जब मुझे पता है कि यू नो आई एम नॉट एबल टू हैंडल सम न्यूज और आई एम नॉट एबल टू हैंडल सम यू नो काइंड ऑफ नेगेटिविटी. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट चैंट ओम ओम या ओम See, I'm on beach, you know, I can't go out because it's a COVID hai. Or I just try to stay at home and chant these ya apne ya you know kisi bhi guru ji ka naam ya kisi you know aap jise bhi mante hain aap jinka bhi you know aap bolte hain main unka naam leke main apni tension bhula sakta hu to aap wo naam lijiye wo bahut asar karega. एंड अगर मैं इसकी एक्सरसाइज बताऊं तो हमारे यू नो हमारे पास इसका बहुत अच्छा एक वे आउट है. क्या हमारे पास एक्सरसाइज है? प्राणायाम. एक्जैक्टली, प्राणायाम कीजिए. जैसे दो एक्सरसाइज हैं, कपालभाति फॉर द स्टमक बेसिकली और यू नो पेट की प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं, बट यू शुड ट्राई अनुलोम विलोम. यस, अनुलोम विलोम आप ट्राई कीजिए, आपको इसके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पे. बट मेक श्योर अगर हो सके तो धीरे धीरे करें, ज्यादा ना करें क्योंकि ज्यादा करेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा ना सिर में प्रेशर बढ़ जाएगा. स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ाएं, जैसे 2 मिनट करें या 3 मिनट करें, ज्यादा नहीं करें, धीरे धीरे करिए, स्लोली स्लोली. फिर ऐसे धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ाना. जैसे मैं करता हूँ, जैसे आज मैंने 5 मिनट ट्राई किया, चलो 5 मिनट करता हूँ या 3 मिनट करता हूँ, अपने आप से धीरे धीरे करके मैंने टाइम बढ़ाया. वैसे ही आपको धीरे धीरे करना है, वो आपको इसका मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाते हैं. कभी कभी आपको बहुत ज्यादा सैडनेस हो जाती है या यू नो आई जस्ट फील इरिटेटेड. जब मैं इरिटेटेड होता हूँ तो मैं ज्यादा फिर किसी से बात नहीं करता, आई जस्ट ट्राई टू यू नो टेक माई सेल्फ इनटू सम अदर प्लेस. मैं अकेला बैठता हूँ, उसको थोड़ा सा यू नो कुछ पढ़ता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ता हूँ, तो मैं एक ये करता हूँ. और जब उसको कुछ सैडनेस आ जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट वॉच समथिंग कॉमेडी, आई वॉच समथिंग यू नो फनी, आई क्रिएट इंस्टाग्राम रील या व्हाई नॉट, आई जस्ट यू नो ट्राई टू मोटिवेट अदर. जो मेरे साथ है वो मैं किसी और के यू नो माइंड पे नहीं इम्पैक्ट डालना चाहता, मैं जो अच्छी चीज़ अपने आप से दूसरों को बताना चाहता हूँ मैं ऐसे करता हूँ. और हाँ, सबसे ज्यादा यू नो कई लोग क्या करते हैं, ड्रामेटिक हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं. ओह माय गॉड, कोई जरूरत नहीं है गाइस, खाना पीना नहीं छोड़ना, खाना खाना है, खाने पीना नहीं छोड़ना, इसमें मेंटल हेल्थ में बिल्कुल नहीं. खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, घर का बना खाओ तो बहुत अच्छी बात है, घर का ही खाओ पर खाओ. ज्यादा ही बात है, चीट कर लिया एक दिन, कुछ बाहर से मंगा दिया अपना फेवरेट डिश. हाँ, अब रेस्टोरेंट वगैरह तो अलाउ करते हैं ना, यू नो दे गिव यू एट होम, ऑर्डर कर लिया. बट अगर नहीं मने तो घर पे कुछ बनाया और खा लिया, ये बहुत अच्छा वे आउट है. कभी कभार आपको मन करता है कि यू नो मैं किसी फ्रेंड से बात करूँ या कहीं यू नो कुछ ऐसा करूँ. मैं क्या करता हूँ, फ्रेंड कभी कभार अवेलेबल नहीं होता तो मैं कुछ यू नो लिखना शुरू कर देता हूँ.
समटाइम आई राइट माई थॉट्स क्या मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे इस पर क्या काम करना चाहिए। तो बहुत अमेजिंग वे आउट है अपने आप को यू नो ऐसे टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ में अपने आप को निकालने का। मैं तो ये करता ही हूँ, आप भी करो, शायद आप बहुत अच्छा फील करना शुरू कर दो। और अगर लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, बस छोड़ छाड़ के सो जाओ, जस्ट स्लीप, एक घंटे आराम से सो जाओ। क्या होता है जो आप एक यू नो माइंड में आपका चल रहा होता है कुछ ना कुछ, वो आप भूल जाते हैं। पर कई लोगों को नींद भी नहीं आती, हाँ मेरे को भी नहीं आती, जब मैं होता ना आई जस्ट स्टार्ट यही एक वे आउट है अपने उस टेंशन भरे दिमाग को शांत करने। चैट ओम एज मच एज यू कैन, यस बिलीव मी बहुत असर पड़ेगा, मेरे को तो पड़ता है। सो गाइस कैसा लगा आपको, प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द बॉय ऑन बाथरूम। यस बीइंग ऑन व्हीलचेयर आई डू ऑल दिस थिंग, जस्ट ट्राई योरसेल्फ, क्या पता आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाए। एक्सरसाइज ये है ही है एंड एज वेल एज फिजिकली एक्सरसाइज भी आप करें बहुत अच्छा होगा, मेंटली तो ये है ही है, फिजिकली भी आप करें। बस इतना ही था, और ज़्यादा बताऊँगा फिर आप कहोगे कन्फ्यूज करते हैं, नहीं और नहीं बताऊँगा, बस इतना ही, इतना ट्राई करें काफ़ी असर पड़ेगा आप पे। तो चलिए क्या करना है सबसे पहले ध्यान रखना है और दुआ में याद। बाय बाय।